हमारी मनस्थिति हमारे थॉट्स पैदा करती है ऐसा हमको लगता है, मगर हमारी मनस्थिति जो है उससे कई गुना ज्यादा हमारी परिस्थिति थॉट्स पैदा करती रहती है। परिस्थिति में जो हो रहा है, जो सिचुएशन में हो रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब करता है, उसको मैं मीनिंग देता हूँ, उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, और फिर वहां से वो थॉट्स पैदा होते जाते हैं। ये एसी का रिमोट है, और अब इसके बारे में मैंने बोला कि आप थॉट प्रोड्यूस करो, तो हम अलग 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 पांच थॉट्स मैं अकेले ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और समझो पांच लोगों को बताया, तो पांच लोग अलग अलग अपना एक एक थॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये तो एक ही है, फिर एक वस्तु जो है उसके बारे में यदि ऐसे 10 थॉट्स अलग अलग प्रोड्यूस कर सकते हैं या होते हैं, तो परिस्थिति में भी वही है ना कि परिस्थिति एक ही रहती है सब लोगों के लिए, मगर दिमाग में अलग 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 थॉट्स आते रहते हैं। तो परिस्थिति का क्या कसूर है? दिमाग में जैसी आपकी मनस्थिति है वैसे थॉट्स आपको आते रहते हैं परिस्थिति के बारे में। यदि आप बहुत खुश है और परिस्थिति में कुछ होता है, सिचुएशन में कुछ होता है, तो आपको खुशी के थॉट आते हैं। यदि आप दुखी है तो आपको दुखी के थॉट आते हैं। यदि आप टेंशन में हैं, चिंताग्रस्त है, तो आपको चिंता वाले थॉट आ जाएंगे। परिस्थिति सेम है। तो क्या हम हमारे परिस्थिति का गुलाम बन के रहना है या हमारे मनस्थिति के ऊपर कंट्रोल करना है? हर एक घंटे के बाद में रुको और देखो कौन से निगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आए थे, उसको प्रेजेंट हो जाओ, और क्या मैं मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकता हूँ, पॉजिटिव सजेशंस दे सकता हूँ, पॉजिटिव आत्म सुझाव दे सकता हूँ, सेल्फ अफर्मेशन दे सकता हूँ, और दे सकता हूँ तो मैंने देना चाहिए, और दे सकता हूँ क्यों नहीं दे सकता, ताकि जो निगेटिव थॉट्स है उसको निकालने के बजाय जो पॉजिटिव थॉट है वो इतने बड़े कर देना, उसके बारे में इतने बार बोलना, उसके बारे में इतने बार शेयर करना कि वो मेजॉरिटी ऑफ योर माइंड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड ऑक्यूपाई करेंगे। क्या होता है कि हम बोलते नहीं, हमको सब मालूम है, सब मालूम है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, यहाँ से यदि आप ऑपरेट करेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप ये जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से मत सुनो कि नहीं मुझे सब मालूम है, मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि जब हम बोलते कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, तो वहाँ आपकी ग्रोथ आप बंद कर देते हो, वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ आप नया कुछ नहीं देखते हो। तो यहाँ से हमको देखना है कि नहीं मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, और अभी मैं ये जो थॉट है, ये जो मैंने विचार भी दिया, इसके तरफ कैसा देख सकता हूँ? क्या मैं परिस्थिति का गुलाम बन के रहूँ कि मेरे मनस्थिति को मैं कंट्रोल में रखूँ, और थॉट्स कैसे प्रोड्यूस करना है वो कंट्रोल में रख के वो प्रोड्यूस करूँ, वो मुझे सीखना जरूरी है। और यदि मैं सीखता हूँ तो डेफिनेटली मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहेगा, इमोशनल अपडाउन्स नहीं आएंगे, मेरा मन दुखी नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा, क्योंकि ये सब दुखी होना, अपसेट होना, ये कहाँ है? ये हम थॉट जो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ है। एक बच्चा 35% मार्क मिले, पांचवें मंजिल पे रह रहे वो फैमिली, 35% मार्क मिले तो वो मातम मना रहे, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड थे 80% मार्क मिल जाए, 35% मार्क मिले वो मातम मना रहे, दुखी है सब लोग कि ऐसा कैसा हुआ। सातवीं मंजिल के ऊपर दूसरी फैमिली है, 35% मार्क मिले वो सेलिब्रेशन कर रहे, बोले पप्पू पास हो गए। 35% दोनों को मार्क मिले थे, देखने का हर एक का अपना अपना नजरिया था। तो हरदम प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहना है, पॉजिटिव सजेशंस खुद को देना है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है, और परिस्थिति के ऊपर निर्भर न रहते हुए अपनी मनस्थिति जो है उसमें थॉट्स कौन से क्रिएट हो रहे वो देखना है, तो हम 24/7 खुश रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।